हेलो फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं न्यू मारुति सुजुकी बैलेनो। ये आपका 2022 मॉडल है। फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको DRL गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, और कुछ फ्रंट व्यू इस तरीके का आएगा आपका। तो यहाँ से चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ और देखते हैं किस तरीके की हमारी गाड़ी दिखती है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। तो एक बार आप साइड व्यू देख लीजिए गाड़ी का, तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की आ जाती है हमारी गाड़ी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में आपको हैंडल मिलेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गाड़ी की तरफ और इसमें देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स हमको दिए गए हैं एक्सटीरियर में। तो देख लीजिए यहाँ से, तो ये बोनेट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का आ जाता है हमारा बोनेट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाड़ी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये आपको थोड़ा सा कर्व मिलेगा, और यहाँ पर शार्प कर्व नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा आपको कर्व दिखेगा जो अच्छा लगता है। बहुत ही गाड़ियों में देखा होगा आपने कि शार्प एजेस आते हैं, लेकिन इसमें शार्प नहीं, लेकिन ये गाड़ी आपको तब भी बहुत अच्छी लगती है। इसके कंपटीशन में इसी की कंपनी की आपकी देख सकते हैं डिज़ायर गाड़ी आती है, लेकिन ये गाड़ी जो है अभी नई लॉन्च हुई है, तो ये आपकी आगे निकल रही गाड़ी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बोनेट का डिज़ाइन, फ्रंट व्यू आप देख पा रहे होंगे गाड़ी का, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही कूल लुक आता है गाड़ी का। यहाँ से आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है। और अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्पर का डिज़ाइन तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ब्लैक ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है, कुछ ये शेप आपका बना होता है इसमें, ये देखने को मिल जाता है। तो पूरा ये आप देख सकते हैं ग्रिल इस तरीके की आ जाती है, और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको एक कैमरा फ्रंट में मिल जाएगा। ये हमारा बलेनो का टॉप मॉडल है, अल्फ़ा टॉप मॉडल आता है, तो ये गाड़ी का टॉप मॉडल आपका है। तो गाड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलैम्प्स, तो हेडलैम्प्स आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर साथ में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं 3 DRL आपको देखने को मिलते हैं, ये जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और यहाँ पे इस जगह देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए एक फॉग लैम्प देखने को मिल जाती है, ये आपका क्रोम फिनिश में देखिए ये मिल जाता है यहाँ पे, तो ये अच्छा लगता है। और ये चीज़ आपकी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बम्पर में यहाँ का डिज़ाइन देखिए रेडिएटर के पास का, तो कुछ इस तरीके का आ जाता है देखने को, हमें मिल जाता है, ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप व्यू देख लीजिए इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है गाड़ी में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा क्रोम वर्क नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा क्रोम वर्क किया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सेसिव जो क्रोम वर्क होता है वो अच्छा नहीं लगता गाड़ी में, ठीक है। तो गाड़ी का एक बार एक्सटीरियर से आपको पूरा दिखा देते हैं चारों तरफ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी तो कुछ इस तरीके की हमारी दिखती है, साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आ जाता है गाड़ी का। तो ये व्यू आ रहा है गाड़ी का, आप देख सकते हैं। अब रियर व्यू देखते हैं हम लोग गाड़ी का, तो क्या मिलता है देखने को। यहाँ पर अलॉय व्हील देख सकते हैं आप, तो अलॉय व्हील आपको 16 इंचेस के मिल जाएंगे, डुअल टोन में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्लैक और ये आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाएगा, जो कि ये शाइनिंग में होंगे, ये आपके बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लुक आप देख सकते हैं इसका, तो इस तरीके का आ जाता है। और यहाँ पे रियर व्यू देख लीजिए, और डोर हैंडल जो है तो वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ आपका देखिए सेंसर मिल जाता है अनलॉक का, और यहाँ से आपके लिए की मिल जाएगी, तो की आप देख सकते हैं। तो की का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ जाता है गाड़ी का। यहाँ पर 2 बटन आपको मिलेंगी, लॉक और अनलॉक, बस 2 ही चीज़ मिलती है। और बैक में आप देख सकते हैं तो सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से, तो ये गाड़ी का कुछ इस तरीके का आ जाती है टेल लैम्प। तो टेल लैम्प का डिज़ाइन देख लीजिए कुछ इस तरीके का आ जाता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको तो ये लाइटें ब्लिंक होंगी, इस चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग की आपको लाइट मिल जाएगी, ठीक। ये लुक यहाँ पर रिफ्लेक्टर का बना हुआ है, तो ये अच्छा लगता है देखने का। और यहाँ पर आप देखिए तो ये आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं बोथ साइड में। सेंसर आप देख लीजिए गाड़ी में, तो रिवर्स पार्किंग में आपको 4 सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक देखने को मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, बोथ साइड में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको बूट में आपको ये देखिए क्रोम फिनिश मिलता है, ये आपको क्रोम फिनिश अच्छा लगता है। और यहाँ पर बैक में देख सकते हैं तो ये आपको कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो एक ये बैक में रियर मिरर में आपको वाइपर मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये डिफॉगर आपको लाइंस मिल जाती हैं। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को ये मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडियो एंटीना आपको मिल जाता है। तो अपर व्यू गाड़ी का देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं साइड में, तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रियर से हमारी गाड़ी की दिखती है, तो ये व्यू आपका आ रहा होगा, देख सकते हैं।
तो अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऑफ़र की जाती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर साइड वाली सीट में, उसमें क्या क्या चीज़ हमको ऑफ़र की जाती है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग गाड़ी को अनलॉक करेंगे, ये आपकी अनलॉक की बटन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओ आर वी एम आप देखेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे आप इसको ऑन करते हैं गाड़ी हमारी ऑन हो जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो ओ आर वी एम बॉडी कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर इस पे साथ में मिल जाता है, तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं तो ये आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और छोटा सा आपको सी पिलर ये देखने को मिल जाएगा। तो ये जो शेप आता है ये बहुत ही अच्छा क्रोम का लगता है देखने में। गाड़ी में देख सकते हैं आप कि ज़्यादा क्रोम वर्क नहीं किया गया है, थोड़ा सा क्रोम वर्क है और गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम लोग चलेंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे क्या क्या फीचर्स इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। तो सबसे पहले डोर को ओपन करते हैं और ये हमने और ओपन कर दिया। अब यहाँ पे डोर साइड देख सकते हैं आप लोग, ड्राइवर साइड का डोर देख पा रहे होंगे। तो व्यू कुछ इस तरीके का आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक की बटन मिल जाएगी, ये आपकी क्रोम फिनिश में मिल जाएगी और ये लॉक का बटन होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए पावर विंडो की सारी चारों पावर विंडो आपकी कंट्रोल मिल जाती है, यहाँ पे ये बटन्स आपको मिलेंगी। और यहाँ से आप देखिए ओ आर वी एम एडजस्ट के लिए आपको ये चीज़ मिल जाती है, तो ये चीज़ मिलता। और ये आप पियानो फिनिश में ये ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे भी आपको ब्लैक फिनिश मिलेगी। ये आप देख लीजिए लेदर फिनिश में आपको ये चीज़ मिल जाती है, ये आपको ब्लूइश होगी पूरी, ये आपकी यहाँ पे ब्लू मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये देखिए ब्लैक कलर मिल जाता है देखने को। यहाँ पे आपको देखिए एक बॉटल स्टोरेज मिलेगा और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिलेगा। ये स्पीकर आप देख सकते हैं, तो स्पीकर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ जाता है, ये लुक इसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से एक बार अंदर का व्यू देख लीजिए गाड़ी का, तो इस तरीके से हमारी गाड़ी दिखती है। यहाँ से अंदर का व्यू इस तरीके का आता है, इंटीरियर आप देख सकते हैं। तो सीट अब देखते हैं हम लोग, तो सीट देखिए अंडर थाई रेस्ट इसमें आपको मिल जाता है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ से देख सकते हैं सॉफ्ट सीट आपको इसमें मिलेगी। और यहाँ पे सीट को देख लीजिए, यहाँ से आप इस बटन से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ मिलती है। यहाँ पे व्यू देख लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है गाड़ी का। अब अंदर चलते हैं गाड़ी के और देखते हैं क्या क्या बटन्स मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को एक मिल जाता है, ये चीज़ इसमें मिल जाती है। अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें ऑफ़र किया जाता है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको की मिल जाती है और यहाँ पे आप देखिए इंजन स्टार्ट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस चीज़ का हो जाता है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाड़ी को। तो गाड़ी देखिए हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे व्यू आप देख पा रहे होंगे सारा किस तरीके का आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर का लुक कुछ इस तरीके का आ जाता है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये आरपीएम देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिड स्क्रीन मिल जाती है जिसमें फ्यूल इन्फॉर्मेशन सारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपका स्टेयरिंग का लुक आ जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको इस मिड स्क्रीन मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्यूल की और सारी डिस्टेंस किलोमीटर पर लीटर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड लिमिट, तो स्पीड लिमिट आपको 220 किलोमीटर पर आर की मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इस आपको मिड स्क्रीन के कंट्रोल की ये बटन मिल जाती है जिससे आप कंट्रोल कर पाएंगे, और यही सेम चीज़ आपको इस साइड भी मिल जाती है, तो ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको ये लाइट कंट्रोल के लिए मिल जाएगा एक्सटीरियर का, और यहाँ पे इस साइड में भी आपको ये चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ से आप वाइपर कंट्रोल कर पाएंगे, ये चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो व्यू आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप स्क्रीन देख सकते हैं, तो स्क्रीन आपकी ये बहुत ही अच्छी देख रही है। पियानो फिनिश आपके साइड में मिल जाएगा और इस तरीके का व्यू आ जाता है। गाड़ी आपकी देखिए पार्किंग का लुक, आपको कैमरा सारे चलते होंगे तो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको ये मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं एसी के ये आपको वेंट्स मिलेंगे, ये आपको सिल्वर फिनिश में दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपकी पार्किंग लाइट ये आपको बटन मिलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिल्वर फिनिश में आपको शाइनिंग में आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी में। ये आपका देखिए पूरा ब्लू कलर में होगा, तो ये चीज़ हमको अच्छी लगेगी। और यहाँ पे अभी ये देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये सारे आपको बटन्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे ये सारे बटन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इंजन स्टार्ट का आपको बटन मिल जाता है, कि साइड में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एसी के वेंट्स आपको मिल जाएंगे ये, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगा,
ये आपका एयर फ्लो मिलेगा। यहाँ पे हमारी देखिए एक स्क्रीन ओपन होगी, अभी मैं उसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, तो ब्लैक कलर का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, इस तरीके का व्यू आता है। और साइड व्यू आप देख लीजिए डोर का, तो ड्राइवर साइड वाली सीट में सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, लेदर का मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ग्लोव बॉक्स आप देख लीजिए, तो ये आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका व्यू देख लीजिए, तो ये सारी बटन्स आपको फिनिश में मिल जाएंगी पियानो में। ये आप देख सकते हैं पियानो फिनिश होगी, इसमें आपको सारी बटन्स कंट्रोल मिल जाती हैं देखने को, तो ये चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 12 वोल्ट सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट, और ये आपको USB पॉइंट मिल जाएगा, ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे व्यू कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ पे आप मोबाइल रख पाएंगे, और ये दो कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, तो गियर बॉक्स आपका ये देखिए ब्लैक फिनिश में मिलेगा, इसके साइड में आपको क्रोम का वर्क देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको लेदर कवर से ये ढका हुआ होगा। तो हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, तो ये हैंड ब्रेक आपका ब्लैक कलर का होगा, और ये आपका क्रोम फिनिश का बटन होगा। सीट आप देख पा रहे होंगे, तो सीट देख लीजिए ये सॉफ्ट होंगी, ये आपको अंदर थाई रेस्ट आपको अच्छा सा मिल जाएगा, और सीट आपकी इसमें एडजस्टेबल मिल जाती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप बैक व्यू देख लीजिए, बैक वाली सीट का कुछ इस तरीके का आ जाता है। अभी हम लोग चलेंगे बैक वाली सीट में और देखेंगे क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ अपर में गाड़ी में क्या देखने को मिलता है। तो ये आपको देख लीजिए एक ये सनरे प्रोटेक्टर मिलता है ड्राइवर साइड में, इसमें आपको मिरर भी साथ में मिल जाएगा, और इसमें यहाँ पे आपकी लाइट लगी होगी, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। और साइड वाले में देखते हैं क्या चीज़ मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वेंटी मिरर इसमें मिलेगा, बोथ साइड में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपकी लाइट होगी। जैसा कि आप जानते हैं ये बलेनो का टॉप मॉडल है, तो इसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और लाइट्स आप देख सकते हैं, तो लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये बटन इस यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से ऑन होगी, इसको प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, सेम इसको प्रेस कर देंगे ऑफ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ से आप देखिए वॉइस कंट्रोल के लिए ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप देख सकते हैं IRVF, तो ये आपको ऑटो एडजस्टेबल मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ऑटो का आपको बटन मिलेगा, ये चीज़ आपको मिलेगी, तो यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अपर व्यू देख पा रहे होंगे गाड़ी का, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाता है। ये लाइट आपको है ये जो मिड में आपके दी गई है सेम सीट्स के ऊपर, तो बैक वाली सीट और आगे के लिए दोनों के लिए यही लाइट आपकी सेम रहेगी। तो व्यू कुछ इस तरीके का आता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देख रहे होंगे स्टेयरिंग में देखने को मिलता है, और ये आपको ग्रे फिनिश में ये चीज़ मिल जाती है सेम चीज़। और यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे कंट्रोल के, और यहाँ पे कॉल कंट्रोल के देखिए ऑप्शन मिल जाते हैं, ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर अभी आपको बटन देखने को मिलती हैं, ये कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं तो फ्यूल टैंक ओपन करने का मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको देखिए बोनट ओपन करने का मिल जाता है। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का आ जाता है, और इसमें आपको देखिए स्टेयरिंग का आपको टिल्ट का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ इसमें नहीं मिलती है। तो गाड़ी का व्यू कुछ इस तरीके का आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और अभी हम लोग इसमें देखते हैं ये स्क्रीन, यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन होगी, तो कैसे ओपन होती है, तो अभी आपको दिखाते हैं इसका जो मेन फीचर देखने को मिलता है। यहाँ से आपकी स्क्रीन ओपन होगी, और ये चीज़ इसमें बहुत ही खास दिया गया है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इंजन स्टार्ट बटन पुश करेंगे, और यहाँ से देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अब ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, तो ये स्क्रीन ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। इसमें आप देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, आपकी हेलो देखिए लिख के आ रहा है, और इसमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसमें सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे धूप में गाड़ी खड़ी है, तो आपको हो सकता है हल्का सा कम दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको सारी डिटेल इस स्क्रीन में देखने को मिलेगी। ये व्यू आपका आ जाता है, देख सकते हैं गाड़ी में, तो बहुत ही कमाल का फीचर है। और स्पीडोमीटर आपने देख लिया, तो अभी हम लोग गाड़ी के रियर में चलेंगे और रियर वाली सीट में देखेंगे क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं रियर व्यू देखते हैं गाड़ी का, तो बैक वाली सीट में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। गाड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आर्म रेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इस चीज़ का ये देखने को मिलती है, तो ये यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको स्टोरेज के साथ ही आर्म रेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा, जितना भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको कर लेंगे। और अब हम लोग बैक वाली सीट में चलेंगे, वहाँ देखते हैं हम लोग को क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग बैक वाली सीट में, और यहाँ से देखते हैं तो व्यू आप देख सकते हैं बैक वाली सीट का,
तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। डोर आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके का लुक आता है हमारे डोर का। और यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, तो ये आपको देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक फिनिश आपको ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देखिए लेदर फिनिश ब्लू कलर में ये चीज़ ये इतना देखने को मिलेगा। ये आपको पियानो फिनिश में ये ब्लैक कलर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिरर कंट्रोल की बटन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे स्पीकर आप देख सकते हैं, तो स्पीकर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बॉटल स्टोरेज मिल जाएगा। तो अंदर से देख लीजिए गाड़ी, इस तरीके का व्यू आता है अंदर सीट का हमारे। और यहाँ पे बैक वाली सीट में देखते हैं अभी क्या क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के देखते हैं हम लोग कितना आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग लेग रूम इसका देख सकते हैं, तो कितना अच्छा आपको लेग रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। और यहाँ से ये देख लीजिए इतना स्पेस मिल जाता है। अभी सीट को थोड़ा सा पीछे भी कर लेंगे तो भी लेग रूम जो है हमारा कंफर्टेबल रहेगा। और व्यू आप देख सकते हैं, तो सीट यहाँ की भी आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेंगी, ये चीज़ रहेगा। और साइड व्यू आप देख सकते हैं, तो डोर का इस तरीके का आ जाता है, साइड वाला डोर सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अपर व्यू गाड़ी का देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए एक ये लाइट देखने को मिल जाती है। तो इसको आप लोग ऑन कर लेंगे तो इस तरीके का व्यू आ जाएगा, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे फीचर्स इसमें गाड़ी में ऑफ़र किए जाते हैं। और हेडरेस्ट आप देख लीजिए गाड़ी का, तो हेडरेस्ट जो है ये इसके आपके एडजस्टेबल मिल जाते हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। और बीच में आप ये देख सकते हैं, तो सीट आपको ये देखने को मिल जाएंगी, ये चीज़ आपको होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सीट हमारी कंफर्टेबल सीट्स होंगी, तीन लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सी पिलर का आप देख लीजिए, यहाँ से व्यू आता है, छोटा सा ग्लास आपको ही मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपको ग्रैब हैंडल बोथ साइड में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और साइड में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो व्यू कुछ इस तरीके आता है, बैक से आप देख सकते हैं गाड़ी का व्यू, तो ये हमारा देख सकते हैं, तो व्यू इस तरीके का आ जाता है गाड़ी का। यहाँ से हमारी गाड़ी इस तरीके का व्यू दिख रही है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और बहुत ही कूल लगती है गाड़ी। आप अगर अच्छी लगती है एक बार आप चाहें तो एक बार एजेंसी आके इस गाड़ी को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे गाड़ी के बूट स्पेस चेक करते हैं, तो गाड़ी में बूट स्पेस कितना हमको ऑफ़र किया जाता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बूट को ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन कर देंगे ये बटन, देखिए प्रेस करते हैं और ये देखिए बूट हमारा ओपन हो जाता है। हाइड्रोलिक इसमें आपको सिस्टम मिल जाएगा, तो इससे आपके बूट ओपन क्लोज होगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो बूट आपको देख लीजिए बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। आपको 300 लीटर के आसपास आपको बूट देखने को मिलेगा, इससे आपको ऊपर ही बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए इतना स्पेस आपको बहुत सारा देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ये चीज़ आप यहाँ तक आप कुछ भी सामान बहुत सारा रख सकते हैं। और यहाँ पे लाइट आप देखिए मिल जाएगी, तो इसको आप ऑन कर लेंगे, यहाँ से आपको बूट में देखिए लाइट मिल जाती है देखने को, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको हुक मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी सामान आप लटका सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टेपनी देख पा रहे होंगे, तो ये आपको यहाँ पे एक स्टेपनी देखने को मिल जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे होगी। और ये बस यहाँ पे देख सकते हैं, तो और ट्रे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये आप देख लीजिए एक ये आपको ट्रे देखने को मिलती है, ये आपको ट्रे हो जाएगी, यहाँ पे भी आप सामान आराम से रख सकते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी ट्रे आपको देखने को मिलेगी। तो व्यू आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का आ जाता है, गाड़ी हमारी पूरी होती कंप्लीट। और इसमें जो भी सारे पार्ट्स हैं वो आपने देख लिए हैं, कैमरा आपको सारे सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप फ्यूल टैंक देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये फ्यूल टैंक आपका स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो गाड़ी कुछ इस तरीके की हमारी दिखती है। और आपको गाड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी जो भी क्वेरी वो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप गाड़ी को देखना चाहते हैं तो आप KTL शोरूम अकबरपुर आके विजिट कर सकते हैं और गाड़ी को एक बार देख सकते हैं।